Hey everyone, welcome back to my channel. So this is me Shurupa, and as we all know के अभी दुर्गा पूजा का time है. So happy दुर्गा पूजा to you all. And आज का जो video है, obviously मैं बंगाली हूँ, तो आज का video हम लोग एक बंगाली traditional दुर्गा पूजा के लिए look type का try करने वाले हैं. And सबको पता है कि बंगाली लोग काफ़ी bold होते हैं दुर्गा पूजा में. White साड़ी with some red border ये सब चलता है, तो बहुत ही बोल्ड और क्लासिक बंगाली मेकअप लुक अभी ट्राई करने वाले हैं हम लोग. तो वीडियो देख लो आप लोग. ओके, तो फर्स्ट थिंग जो मैं यूज़ करने वाली हूँ वो है कोई भी एक अच्छा सा प्राइमर. तो मैं स्विस ब्यूटी का वाला यूज़ करने वाली हूँ. इसको बस थोड़ा सा ही लेना है. तो अभी मैं डायरेक्टली अपना फाउंडेशन अप्लाई करूँगी, क्योंकि मेरे यहाँ पे ज़्यादा मतलब डार्क सर्कल्स वगैरह नहीं है, तो कोई कलर करेक्टर मैं यूज़ नहीं कर रही. तो फाउंडेशन मैं बस थोड़ा सा लूँगी और उसको डॉट्स में अप्लाई कर दूँगी, पहले ऐसे ही रैंडम. तब मैं मेबलिन का कंसीलर यूज़ करने वाली हूँ. अभी मैं अपना जो कंसीलर मैंने अप्लाई किया है उसको कोई भी लूज पाउडर या कॉम्पैक्ट यूज़ करके एकदम हल्के हाथों से आपको यूज़ करना है, और आपका कंसीलर आपको सेट करना है. तो मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ इसमें, बहुत ही हल्के हाथों से, ज़्यादा प्रेशर मत डालना, बहुत ही हल्के हाथों से इसको बस ऐसे सेट कर लेना है. ज़्यादा प्रेशर डालोगे तो इसमें आपका लाइन्स आ जाएगा. ओके, तो नेक्स्ट अभी मैं अपने आईब्रोज करूँगी. ओके, एंड अभी मैं अपना आई शेडो कर लूँगी. पहले तो आई शेडो के लिए मुझे अभी ऐसा एक ब्रश चाहिए, एंड इस पैलेट में से जो ये वाला जो शेड है बहुत ही न्यूट्रल कलर है, तो ये वाला मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ. तो इससे मैं क्या करूँगी, अपना जो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कंसीलर जो अप्लाई किया था उसको मैं सेट कर लूँगी. तो फिर अभी मैं सेम पैलेट में से ही ये वाला जो ब्राउन शेड है इसको यूज़ करूँगी. इसको मैं ऐसे खोना है ब्रश को और अपवर्ड्स बस इसको प्रेस करते जाना है क्रीज एरिया पे. पता नहीं ये लाइट का डिफेक्ट है या कुछ और, कि ये थोड़ा लाइट लग रहा है मुझे, पर ट्राई नहीं है. फिर मैं इस वाले में से जो ये थोड़ा डार्कर शेड है ब्राउन का, तो ये वाला अप्लाई करूंगी सेम क्रीज एरिया पे ही, उसके ऊपर जो लाइट शेड अप्लाई किया था उसके ऊपर अप्लाई करना है. तो मैं सेम ब्रश यूज कर रही हूं और इसको ऐसे. मैं अच्छे से ब्लेंड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाद में करूँगी अच्छे से बाकी और शेड ब्राउन का, तो वो लगने का. ओके, तो अभी मैं ये वाला जो थोड़ा ब्रॉन्ज टाइप का शेड है, तो इसको बस थोड़ा सा ऐसे लेना है, बस थोड़ा सा, और इसके साथ अच्छे से ब्लेंड कर देना है. यही सेम शेड मैं अपने लॉयलिश लाइन पे भी अप्लाई करूंगी आउटर कॉर्नर्स पे. तो इसको बस ऐसे ब्रश पे लेना है थोड़ा सा.
दैट्स इट हो गया. एंड फिर मैं इसी पैलेट में से जो ये गोल्डन जो शेड है ये वाला, इसको मैं अपने फिंगर से यहाँ पे अप्लाई करूँगी. हो गया. नेक्स्ट अभी मैं मेरे पास ये कुछ एक शिमर पाउडर है, गोल्डन है, तो इसको मैं थोड़ा सा जहाँ पे मैंने गोल्डन अप्लाई किया हुआ है यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे इसको बस प्रेस करके रखूँगी. मैं बहुत ब्यूटीफुल सा क्रीम ड्रॉ करने वाली हूँ तो अभी मैं काजल अप्लाई करूंगी. उसी काजल को किसी भी ब्रश से अच्छे से स्मच कर लेना तुम्हें. अभी मैं ऑफ कैमरा अपना मास्कारा फॉल्स आईलैशेस अप्लाई कर लूँगी. तो मैंने अपना फॉल्स आईलैशेस मास्कारा वगैरह अप्लाई कर लिया है एंड अभी मैं अपने इनर कॉर्नर्स को थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी और मेरे ब्राउ बोन्स को थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी. अपने हाईलाइटर वाला जो शेड है इससे हाईलाइट कर रही हूँ. फेस को थोड़ा सा मतलब लिफ्ट दिखाने के लिए थोड़ा सा मैं बस कंट्रोल करूंगी. तो मैं कंट्रोल करने के लिए ये वाला शेड जो है थोड़ा सा बस लूंगी और कुछ इतना काफी है. मैं थोड़ा सा अपने नोज को मैं शेक करूंगी. तो नोज मैं अपने फिंगर से करूंगी क्योंकि मेरे पास इतना छोटा ब्रश अभी फिलहाल मैंने नहीं रखा है सामने. तो नेक्स्ट अभी मैं अपने इस आई शेडो पैलेट में से जो ये वाला शेड है इससे मैं थोड़ा सा ब्लश अप्लाई करूँगी. नोज बीच में थोड़ा सा और क्यूब पीस ओपन. एंड फाइनली अभी मैं अपना लिपस्टिक अप्लाई करूँगी. सो लिपस्टिक मैं आज ऐसा रेड शेड अप्लाई कर रही हूँ. ऑब्वियसली मैंने पहले बोला है कि बंगाली लोग बहुत बोल्ड होते हैं एंड विदाउट रेड तो बोल्ड इतना पॉसिबल भी नहीं है. तो रेड लिपस्टिक जो हर एक बंगाली लड़की का फेवरेट है दुर्गा पूजा के टाइम में, तो मैं ये अप्लाई कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ. तो ये रहा मेरा फाइनल लुक. आई एम रियली सॉरी मेरे पास रेड कलर का ब्लाउज नहीं है तो मैंने ब्लैक. एंड ये था आज का फाइनल लुक. एंड फिर सेकेंड ये फाइनल नहीं है बिकॉज बंगाली लुक इनकम्प्लीट है विदाउट अ रेड बिंदी. तो आई गॉट समथिंग. अब हुआ लुक कम्प्लीट. सो यही था आज का मेरा दुर्गा पूजा के लिए बंगाली ट्रेडिशनल बोल्ड एंड क्लासिक मेकअप लुक.
सो अगर आपको मेरा आज का ये लुक पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को और मेरे इस एफर्ट को एक लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। अच्छा लगा होगा तो आपको ये वीडियो एंड मैं थैंक्स कहना चाहूँगी सलीना को क्योंकि मेरे दांत में बहुत ज़्यादा पेन है, मैं बात भी आज कम ही कर रही हूँ। तो मुझे तो लगा भी नहीं था, इतना टायर्ड थी मैं क्योंकि मेरा भाई का रिसेंटली एक बिज़नेस स्टार्ट हुआ है तो उसकी वजह से। बट उसने बोला दी आप दुर्गा पूजा के लिए कोई मेकअप लुक नहीं बनाओगे, तो मैंने बोला हाँ श्योर। तो वही थैंक्स टू सलीना के याद दिला दिया, नहीं तो मैंने तो सोचा ही नहीं था कि दुर्गा पूजा में मैं कुछ करूँगी भी। सो एनी वेज लॉट्स ऑफ लव टू यू सलीना एंड आई लव यू, बाय बाय एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और तब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। हैप्पी दुर्गा पूजा।